नमस्कार दोस्तों, नोकिया 8.1 भारतीय बाजारों में लॉन्च हो चुका है बहुत ही ज़ोरदार स्पेसिफिकेशन के साथ में। लेकिन इसके प्राइस जो है मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा है। तो देखते हैं क्या प्राइस पे लॉन्च हुआ है और क्यों मैं इसको ऐसा कह रहा हूँ। तो आपको बता दूँ, अमेज़ॉन एक्सक्लूसिव होगा नोकिया 8.1 और बहुत ही जल्द उसके बाद में रिटेल स्टोर्स पे भी मिलेगा। फिलहाल अभी प्री बुकिंग चालू है, आप नोकिया के वेबसाइट पे आके प्री बुकिंग कर सकते हैं, प्री ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन उसके पहले बता दूँ, अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहेंगे तो आपको 20 दिसंबर से सेल मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन के ऊपर मिलेगा, जो कि फ़ोन काफ़ी जायज ऑप्टिक्स के साथ में आता है और HDR10 के सपोर्ट के साथ में आता है। वैसे फ़ोन में मुझे कुछ उतनी खास बात लगी नहीं जिसके लिए हम इसको इतने सारे पैसे खर्च करें, क्योंकि फ़ोन के जो प्राइस है आप देख सकते हैं 27,000 रुपये। 27,000 रुपये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होती है इस फ़ोन के लिए, क्योंकि अभी आपको मैं बताता हूँ। तो फ़ोन के अंदर आपको मिलने वाला है HDR10 का डिस्प्ले, और इसके अंदर जो डिज़ाइन दी गई है वो नॉच वाली डिज़ाइन होगी, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं सारे फ़ोन्स में आजकल। और इसके अंदर ज़ाइस के 12 और 13 MP का रियर डुअल कैमरा है, डुअल LED फ्लैश के साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे दी गई है, मेटल की बॉडी है, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, 3.5 mm का जैक है, USB टाइप सी पोर्ट है, वॉल्यूम रॉकर पावर बटन्स है, 2 SIM है और 4 GB 64 GB का एक ही वेरियंट है 27,000 रुपये में। 27,000 रुपये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। कैमरे की बात करें तो 20 MP का सेल्फी कैमरा है और इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर है, बैक कैमरे के अंदर जायज ऑप्टिक्स है, फोटोज़ आपको अच्छी क्लियरिटीज में दिखेंगी। इसकी जो स्क्रीन है HDR10 सपोर्ट करती है, यानी HDR10 की वीडियोस प्ले करेंगे, और इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़ोरदार है, काफ़ी इफेक्टिव है, नॉच डिस्प्ले के साथ में आता है, काफ़ी सारे ब्यूटी मोड्स वगैरह के साथ में फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि 20 MP का फ्रंट कैमरा है। हर एक एंगल में आप इसको डिज़ाइन इस फ़ोन को देख सकते हैं, क्योंकि फ़ोन की जो ब्राइटनेस है 500 nits की है, धूप में भी काफ़ी ज़ोरदार इसके फोटोज़ दिखते हैं। नीचे आप चिन्ह देख सकते हैं नोकिया के ब्रांडिंग के साथ में हो, ऊपर नॉच थोड़ा सा बड़ा दिखाया है, थोड़ा सा मुझे नॉच बिल्कुल पसंद नहीं आया इस फ़ोन का, और बाकी फ़ोन में तो काफ़ी पसंद आते हैं। 6.1 इंच की स्क्रीन है फुल HD वाली 1080 की, और प्योर डिस्प्ले के साथ में आता है। डिज़ाइन इसकी काफ़ी ज़ोरदार है, फ़ोन बहुत ही प्रीमियम है, क्योंकि मेटल की साइडिंग्स दी गई है, मेटल फ्रेम दी गई है, जिसके अंदर आपको पावर बटन्स और वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं, अप एंड डाउन की बटन्स है, और कुछ इस तरह से क्रोम फिनिशिंग के साथ में आई, जो कि थोड़ा सा लुक को बढ़िया देता है। पीछे भी नोकिया की ब्रांडिंग दी गई है। डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, पतला सा है, ज़्यादा मोटा नहीं है, और H2H डिस्प्ले कंपनी ने कहा गया है, दिया गया है, जो कि देखने में अच्छी है। और ये एंड्रॉयड पाई के साथ में आता है, जो कि आपको एडेप्टिव बैटरी और एडेप्टिव जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में आता है। इसमें 2.2 GHz का स्नैपड्रैगन का 710 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एंड्रॉयड पाई के साथ में सपोर्ट करता है, जो कि एडेप्टिव बैटरी के साथ में आता है। और फ़ोन के अंदर एक अच्छी बात है कि 18 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया गया है, उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है जो कि आजकल मार्केट में चल रहे हैं 30 या 40 के, लेकिन फिर भी अपने प्राइस रेंज में मुझे लग रहा है ठीक एक चार्जर दिया गया है USB टाइप सी पोर्ट के साथ के अंदर, क्योंकि एंड्रॉयड 9.0 पे है तो हर एक चीज़ एडेप्टिव होगी, बैटरी इसकी एनवायरनमेंट के हिसाब से सेटअप होगी, और इसका जो कैमरा भी है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एंड्रॉयड 9.1 Pi के साथ में सेटअप हो जाता है, यानी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली फ़ोन करके देगा, आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्योरली स्टॉक एंड्रॉयड है, इसमें आपको हमेशा अपडेट्स मिलते रहेंगे, सिक्योरिटी या फिर नए वाले अपडेट्स 2 साल तो कंपनी कहती है कि एंड्रॉयड के जो भी आते हैं एंड्रॉयड 1 सीरीज़ में उनको 2 अपडेट्स बिल्कुल मिलते हैं फ्री में, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फ़ोन के प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया है, बैटरी 3500 mAh की दी गई है, जो कि एक अच्छी बात दिख में आ रही है नोकिया की तरफ से। 27,000 रुपये का फ़ोन मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगा लग रहा है, सिर्फ फ़ोन और डिस्प्ले के लिए, यानी कि कैमरा और डिस्प्ले के लिए 27,000 रुपये देना मुझे तो नहीं लगता कि ठीक ठाक है इस रेंज पे, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर भी एकदम टॉप नॉच का नहीं है। लेकिन फिर भी नोकिया जिस तरह से अपने R&D के काम करता है उसके हिसाब से वो अपने आप को डिफाइन करता है उस प्राइस सेगमेंट में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसका मार्केट यहाँ पे होगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको अच्छे अच्छे वन प्लस के सीरीज़ में भी आपको फ़ोन मिल जाएंगे 2-4 हज़ार रुपये, अब अगर आप और डालो और भी टॉप क्वालिटी के फ़ोन से, शाओमी के फ़ोन से हाई है, ओप्पो वगैरह भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्पेक्स दे रहे हैं आपको 15-20 हज़ार रुपये के अंदर, तो आपको ये चीज़ मिलना मुश्किल है। हालांकि स्क्रीन जो है इसकी अच्छी खासी दी गई है, 18.7:9 का एस्पेक्ट रेशियो गोरिल्ला ग्लास दिया गया है इसके ऊपर, कौन सा वो नहीं बताया, लेकिन 2.5D कप ग्लास के साथ में दी गई है। कैमरा आपको बहुत ही बढ़िया फोटोज़ लेके देने वाला है, 12 और 13 का 2 है, 1.4 micron pixel के साथ में आता है, और इसका जो है फ्रंट फेसिंग कैमरा जो है वो काफ़ी बढ़िया आपको काम करने वाला है। और इसके अंदर सेंसर्स की बात की जाए तो एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी एक्सेलेरोमीटर, जी सेंसर,
ई कंपास, जायरोस्कोप, फिंगरप्रिंट सेंसर जो पीछे की तरफ दिया, और एनएफसी के साथ में आता है। बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा फोन, आपको 9 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर मिल जाएगा, यूएसबी टाइप सी 2.0 वाला है, क्विक गाइड सिम, डोर की दिया जाएगा जो पिन होती है, और हेडसेट भी आपको इसके साथ में मिल जाएगा। तो 27,000 रुपये में मेरे हिसाब से इसकी रैम भी कम दी है। अगर यही 27,000 रुपये में आप इसको 8 GB रैम और 128 की मेमोरी देते हो तो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाता, लेकिन आपने उसकी आधी सी दी है, 4 और 64 दी गई है, जो कि अब बहुत ही बचकाना से 10,000 रुपये में भी आपको इस प्राइस कैटेगरीज पे इस पे मिल जाते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि कौन लेता है कौन नहीं लेता है। नोकिया के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे ज़रूर होते हैं, लेकिन 27,000 रुपये क्या डिफाइन करता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए इस फ़ोन के लिए आप कितना दे सकते हैं। मेरे हिसाब से इस फ़ोन को मैं 20,000 रुपये से ज़्यादा मैं नहीं खरीदूंगा, अगर मुझे कोई ऑफर भी करे तो। भाई जी, टेक्निकल देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।